अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन। आज मैं आपको कूसा महशी बनाना सिखा रही हूँ। ये लौकी की किस्म होती है कि, और ये पाकिस्तान में मिलती है। शायद ये पिशावरी लौकी कहलाती है, क्या कहलाती है, मगर ये पाकिस्तान में मिलती है। तो इसको बनाने का तरीक़ा मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये पहले इसको बिल्कुल पॉइंट से इसको काटना पड़ता है, और फिर ये इस टाइप की छुरी होती है। ये देखें, ये अगर मिले भी ना तो बन सकती हैगी आराम से ये, और मिल जाती हैं अब तो, और भी नई तरह की छुरियाँ मिलने लगी हैं। उनको ये आप पहले इसका हिसाब लगाएं कि कितना लंबा है ये, तो नाप कर उसे थोड़ा सा छोटा आप रखें। फिर उसको इधर डालकर आप आराम से यूं घुमाते रहें। आजकल तो ऐसी छुरियाँ आ रही हैं जो कटर हैं, जो बहुत आराम से जाते हैं और ग्रिल करके निकाल देते हैं। ये देखिए ये कैसे इसका निकला है। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसका निकालते रहेंगे। बस बहुत ख़्याल से निकालना पड़ेगा इसको, कि ये जो है टूटे ना, या इधर से कहीं से सुराख ना हो ये घुसने के बाद। अब इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकालना पड़ेगा। ये देखें, जैसे मैं घुमा घुमा के ये आहिस्ता आहिस्ता निकाल रही हूँ। अच्छा, ये इसका, ये जो मैं निकाल रही हूँ ये जो है ये ज़ाया नहीं जाएगा, इसकी भी भुजिया बन सकती है। और इसके अंदर जो है मैं कीमा और चावल भरूंगी, ये मैंने पूरे करने हैं। ये देखिए, ये मैंने निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने पहले के बनाए हुए हैं, तो ये देखिए ये पूरा फुल इसके अंदर होल करना होगा ना पूरा, इसको बिल्कुल इतनी मोटी लेयर चारों तरफ से है, अंदर से भी ना, तो इसके अंदर सारे चावल और कीमा भरा जाएगा। ये देखें, ये मैंने सारे इनमें होल कर लिए हैं सबके अंदर। अब इसके बाद जो है मैं इसमें जो फिलिंग करूंगी वो ये है, ये मैंने 3 किलो जो है वो कूसे लिया था, और उनमें जो है ये वाला डिस्पोजेबल ग्लास जो है ये मैंने 2.5 लिए थे, ये चावलों के। और ये मैंने 400 ग्राम जो है वो चिकन का कीमा लिया है, ये इसमें डाल दूंगी मैं। अच्छा, कुछ लोग भून लेते हैं, मैं भून लेती हूँ, मगर ये ओरिजिनल जो है वो इसी तरह से बनता है, कीमा भूनता नहीं है, कच्चा कीमा ही डालता है इसमें चावल। उसके बाद जो है ये थोड़ा सा मैं लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छा, ये हल्दी डालूंगी मैं 1 टीस्पून, हल्दी ज़रा ज़्यादा डलेगी, 1 टीस्पून मैं धनिया डाल रही हूँ, धनिया पाउडर,
एक टीस्पून में जीरा पाउडर डाल रही हूँ और एक टीस्पून में काली मिर्च डाल रही हूँ। मैंने इसे चावलों में और कीमे में पहले से नमक डाला हुआ है तो मैंने थोड़ा सा डाला। उसके बाद जो है ये थोड़ा ऑयल डाल दें आप और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। देखिए ये कीमा जो मैंने सब चीज़ें मिक्स की थी ये सारे मिक्स कर लिए थे और मैंने भर भी लिए हैं और ये कुछ छोड़ दिए हैं तो अब इनको जो है इस तरह से भरा जाएगा। ये देखें ये देखिए ये ऐसे कर करके अंगूठे से भरा जाएगा। अच्छा थोड़ा सा इसको खाली भी छोड़ना है। क्योंकि चावल जो है वो फूलते हैं ये देखिए ये डालें तो आपका इतना हिस्सा खाली हो बस। ये फिर मैं इसको भुगोने में रखती जा रही हूँ जिसमें पकाना है। ये देखिए ये इतना हो गया। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, खाली पानी डाला है मैंने इसमें और ये मैं चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ। तो ये डालने के बाद जो है पानी मैं और डाल दूँगी और उसके बाद जो है वो टमाटर प्योरी डलेगी थोड़ा सा ये होने के बाद। ये मैं कवर कर दूँगी। ये इसको ज़रा सेट करके रखना पड़ता है। अभी इसके ऊपर मैं प्लेट रखूँगी उसके ऊपर फिर कवर करती हूँ। ये देखिए ये मैं प्लेट इसलिए रख रही हूँ कि ये बॉयल होने के बाद ऊपर आए ना हिले ना। अब मैं इसको कवर कर दूँगी इसके कवर से और आधे घंटे के बाद में तो बॉयल होने लगेगा उसके आधे घंटे के बाद में वो प्लेट निकाल दूंगी और फिर टमाटर प्योरी डालूंगी। ये देखिए मैं अब ये खोल रही हूँ और ये प्लेट जो है ये मैंने निकाल ली है कि बॉयल हो गया है। उसके बाद में ये
टमाटर पेस्ट कर लें, आप टमाटर प्योरी कर लें। ये मैं डाल रही हूँ, ये घर में भी बना सकते हैं। ये मैंने बनी बनाई ली है, ये डाल रही हूँ। ये मैं देखूँगी, अगर कम लगेगी तो और डाल दूँगी। और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ये थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और अब मैं इसको कवर कर दूंगी हल्की आग पे। तकरीबन एक घंटे तक ये पकेगा ना। ये देखिए, ये मैंने एक घंटे के बाद ये निकाल लिए है और ये इसका सूप जो है ये इसमें निकाल लिया है। यकीनन आप बनाएंगे, आपको पसंद आएगा। सहो है ना, मासलम है।